दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी 2024 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ख़तरनाक हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि रही है फरवरी 2024 की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन, जिसमें आप फरवरी के सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ के बारे में जानने वाले हैं और इन सभी सीरीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 6, टिकट। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे टिकट से जिसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, यानी कि एक ऐसा लॉटरी टिकट जिसे पाने के लिए बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, और लास्ट तक इस टिकट का हकदार असल में कौन होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी बड़ी ही अनोखी तरह से प्रेजेंट की गई है आपको। सीरीज रिलीज की गई है चोरकी ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। सीरीज फिलहाल बंगाली में रिलीज की गई है, लेकिन इसे बहुत जल्द हिंदी में रिलीज कर दी जाएगी, वो भी होईचोई पर। नंबर 5, अरारत। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसी औरत से जिसके पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें छिपी हुई रहती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी औरत जो कि बहुत सारे मर्डर्स करती है, और लास्ट तक इस औरत का अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं बिंग ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि मिस्टीरियस और हॉरर सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज फिलहाल बंगाली में रिलीज की गई है, लेकिन इसकी हिंदी रिलीज के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। नंबर 4, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है राय सिंघानी से, जिसका अचानक से ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उसके गद्दी को बहुत सारे लोग हथियाना चाहते हैं, और लास्ट तक असल में इस गद्दी का वारिस कौन बनता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इवन इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्त, इस सीरीज में आप हर एक एपिसोड में एक नए नए केसेस को देखने वाले हैं, और उन केसेस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये भी इस सीरीज में आने की कोशिश की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.9। नंबर 3, आर्या अंतिम वार। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्या की सीजन 3 की पार्ट 1 में कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ दी गई थी, और उन्हीं अधूरी चीज़ों को इस बार सीजन 3 में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि पार्ट 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आर्या का अंजाम लास्ट तक क्या होता है, इवन वो अपने फैमिली को बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 2, रक्षक इंडियाज ब्रेव। सीरीज बेस्ड है वॉर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है फिर से कुछ ऐसे सोल्जर से जो कि इंडिया में एक टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लास्ट तक ये सभी सोल्जर्स किस तरह इस टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने में कामयाब होते हैं इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट सीरीज। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि वॉर और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 1, पोचर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है केरला, जहां पर हाथियों को बड़ी ही बेरहमी से मारा जा रहा होता है सिर्फ उनके दांतों के लिए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि इस क्राइम को और इसके पीछे सभी क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहते हैं, और लास्ट तक वो अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।